नमस्कार, आप देख रहे हैं दिबॉस न्यूज़ और मैं हूँ सरफराज आलम। इस वक्त हम मौजूद हैं सहरसा के नगर परिषद इलाके में और एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो तस्वीर देखने के बाद आपको प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के प्रति आप कहीं ना कहीं आक्रोश जाहिर जरूर कर देंगे। ये तस्वीर हम आपको नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 8 के गांधी पथ के इलाके की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीर देखिए, ये पूरा इलाका जो है जलमग्न हो चुकी है, पानी से ये इलाका जो है डूब चुका है। अब आलम यह है कि यहाँ के जो लोग हैं वो घर में ही कैद है और घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। पानी इतनी है कि घर के अंदर तक जो है पानी घुस चुकी है और लोगों की इससे परेशानी काफ़ी बढ़ चुकी। ये समस्या कोई एक दो दिन की नहीं है, एक महीने की नहीं है, लगभग 3 से 4 महीने की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो समस्या लगातार बनी हुई है। प्रशासन तक इसकी जानकारी दी गई, जनप्रतिनिधियों तक इसकी जानकारी दी गई, लेकिन किसी ना जनप्रतिनिधि की आँख खुली, ना ही कोई प्रशासन इस पर कार्रवाई की, जिस कारण यहाँ के लोग काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। घर में कैद होकर ये लोग घर में ही रहते हैं और घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि घर के बाहर पानी लगी होती है और घरों के अंदर भी पानी लगी होती है। देखिए, एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए महिलाएं हैं, घर तक पानी जो है जा चुकी है। और ऐसे में इस जो इलाका है, गांधी पथ का ये इलाका है, नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत ये इलाका आती है, वार्ड संख्या 8 है, और ऐसे में इन लोगों की परेशानी काफ़ी बढ़ी हुई है। दिनों दिन इसकी परेशानी जो है अब बढ़ती जा रही है। हम यहाँ के लोगों से, महिलाओं से भी बात करेंगे और जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन इलाकों में क्यों नहीं प्रशासन कार्रवाई कर रही है और क्यों नहीं जनप्रतिनिधि इस इलाके में जो है ध्यान दे रही है। आखिरकार क्या कारण है जो ये समस्या अभी भी बनी हुई है, कितने दिनों से ये समस्या बनी हुई है और क्या क्या परेशानी आप लोग को होती है? परेशानी है पानी का, 5-6 महीना 6 महीना तक पानी था, सब पानी मतलब सब तो उतना पानी भरा हुआ है, लोग कैसे जाएगा, कैसे भीतर जाएगा, कैसे रहेगा पानी में। प्रशासन को इसकी जानकारी दिए हैं कोई नेता या कोई जनप्रतिनिधि? 6 महीना तक ना दे ये पानी गेट गेट में निकल, हमारा नहीं बुढ़ सुर पानी में गिर पड़े तो कौन दिक्कत हेतु, सांप कीड़ा मछोड़ा सब जाए। की कारण आखिरकार इस समाधान पथ के नला बन के दिए तब हमारा महल्ला समस्या भे जीते, घर के अंदर तक पानी हाँ पूरे ढुक ग। आप की करबे, घर से बाहर तो नहीं निकल पावे छ, सगरे छ कतो ठारो हे छ जगह, देखिए ने कते छ जगह निकलियो के बुलियो के कनु साधन। देखिए, एक हम आपको बात बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कमी है, वो है नाले की। इस विषय में हमने अधिकारियों से भी बात की तो उन्होंने कहा है कि नाला नहीं होने के कारण जो है ये समस्या बनी हुई, लेकिन इसका अब समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? ये एक नाले की समस्या नहीं है, लगभग 4 से 5 महीने से ये समस्या जो है बनी हुई है और ऐसी परिस्थिति में ये लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिस कारण ये लोगों को घर में ही कैद होनी पड़ती है। देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, पहले तस्वीरें देखिए किस तरह से पूरा इलाका जो है जलमग्न हो चुकी है, घरों के अंदर तक पानी जा चुकी है और घर के अंदर ही लोग कैद है, कह सकते हैं अपने ही घर में लोग जो है कैद है। और ऐसे में प्रशासन मुखदर्शक बनी हुई है, विभाग जो नेता है वो उसकी नींद नहीं खुल रही है और कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। इन लोगों को परेशानी पर कोई समस्या पर कोई समाधान नहीं कर रही है और ना ही इस पर कोई कार्रवाई की जा रही है। भाई साहब, लगभग 3 से 4 महीने आप बता रहे हैं कि 3 से 4 महीना ये तो आप आते हैं तो आप ना जानते हैं सर, लेकिन इसकी समस्या लगभग 12 मास ही गिनती दीजिए, क्योंकि वहाँ का पानी लगातार आते रहता है। 80% सहरसा का पानी गांधी पथ हाथीदास टोला में ही आता है, तो उस दृष्टिकोण से आप अगर देख सकते हैं तो सालों साल हर जगह का पानी इसी में आता है। तो 1-3-4 महीना आता है बंद हो जाता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, बरसात के मामले में ज़्यादा ही रहता है, घर घुसते में बरसात में ही ज़्यादा रहता है, अन्यथा रोड पे पानी, काला पानी जो भी है, आपको बरसात का पानी कितनों भी रहेगा 1 से 2 घंटा 3 घंटा में निकल जाएगा, पटना से डूबा हुआ रहता है बरसात का पानी से, लेकिन 1-1.5 दिन में ख़त्म हो जाता है, लेकिन आप यहाँ की काला पानी आप देख रहे हैं। क्यों नहीं समाधान हो रही, क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ का हम तो मैं बस एक ही चीज़ कहेंगे, मंत्रिमंडल हो, यहाँ सहरसा के 200 पुत हैं, धरती पुत्र जिसको बोलता है, फिल्म देखता है लोग धरती पुत्र, यहाँ तो वाजिब है सहरसा का 2 गो पुत्र, ठीक है मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो मंत्रिमंडल सहरसा के रहते हुए भी उसका सहरसा ठीक नहीं है तो वो अन्य लोगों को क्या ठीक करेगा? अच्छा, जानकारी दी है, एप्लीकेशन हर जगह दिया गया है,
सब जगह शिकायत गया, सब दबा दिया जाता है, कहाँ से बात नहीं उतना भी हम नहीं जानते हैं, लेकिन सब इस मुद्दा को हर कोई दबाया जाता है। प्रशासन लीजिए, नगर पालिका लीजिए, डीएमओ ऑफिस लीजिए, एसडीओ, डीएम तो इस पे मुद्दा पे बात नहीं करने चाहता है। हर कोई इंसान जानता है इस मुद्दा को, वार्ड नंबर 8 की। हम तो वार्ड नंबर बगल में है, उसके घर में इतना पानी, जहाँ पे बेड है ना, वह बेड का ऊपर तक पहुंचा हुआ है पानी, फेसबुक पे देखे हुए। घर में ही कैद होते हैं, बिल्कुल। बाथरूम जाने की बहुत बड़ी समस्या है, अब सोच सकते हैं इतनी बड़ी है समस्या, तो काफी बड़ी है। समस्या का समाधान भी होनी चाहिए, नहीं हो पा रही है। अधिकारी बोल रहे हैं नाला नहीं होने के कारण जो ये समस्या बनी हुई है। नाला होने की नहीं समस्या है, लेकिन अगर करने के लिए चाहे ना, तो जब मंत्री आता है तो एक दिन में रोड बन जाता है। यहाँ नाला 2 साल से तैयार नहीं हो रहा है, आप भी समझ सकते हैं, हम भी, और मंत्री भी समझ रहा है। देखिए, एक हम बात आपको बता दें, अगर किसी विधायक हो, या हम नाम नहीं लेंगे, किसी विधायक हो, कोई मंत्री हो, या कोई वरीय अधि प्रशासन हो, उसके घरों के आगे अगर पानी लग जाए तो वो तुरंत वहाँ से हट जाती है, क्योंकि वहाँ पर व्यवस्था उनको दिखती है। आप यहाँ पर स्थानीय निवासी हैं, लगभग कितने दिनों से आप ये समस्या देख रहे हैं और क्या परेशानी आपको? ये तो नाली का पानी 12 महीने का कहानी है। बड़े बरसात के मौसम में इतना हो जाता है कि घर दुकान सब डूब जाता है, घर से निकले और पानी में डूबना पड़ता है हम लोग को। इतना गंदा पानी है कि हम लोग को सांस लेना मुश्किल है रात में। बीमारी का भी है, बीमारी का इतना प्रकोप है जो कहना मुश्किल है। हो सकता है कहीं डायरिया न हो जाए, ऐसी न हो जाए सब। ऐसे में भी एक बीमारी भी चल रही है, डायरिया वगैरह। हर बच्चा अभी घर में कैद रहता है डर के मारे। अच्छा, यहाँ के बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? स्कूल जाना छोड़ दिया है बच्चे लोग। गोदी करके उठा कर लेके गया तो ठीक है, नहीं तो अपना घर में रखो बच्चे को, पढ़ाई तराई सब चौपट है यहाँ का। ये समस्या से आमजन ही त्रस्त नहीं है, इन समस्याओं का असर जो है बच्चों पर भी पड़ रही है, क्योंकि बच्चे इस समस्या से जूझ रहे हैं, और बच्चे भी इस समस्या के कारण जो है घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं और घर में ही कैद रहते हैं, जिस कारण जो है उनका भविष्य जो है खराब होती हुई दिख रही है। चाची, क्या कहेंगे, प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है, क्या है, नहीं समस्या का समाधान हो पा रहा? हम लोग तो बेटा इस समय भिड़े हुए हैं, हाँ, कितना बार आया है, कितना बार गया है, मगर कोई भी समाधान नहीं लेता है। घर में सांप घुसता है, सांप कीड़ा के मकोड़ा, सांप कीड़ा से मकोड़ा से भी हम लोग बेकार हैं। जब घुस रहा है पानी और कोई समस्या के धाने, बाल बच्चा सबको सर्दी बुखार लग रहा है, तो कहाँ प्रशासन सुता हुआ है, कहाँ मंत्री है? मेरे लिए कोई है? कोई नहीं है, सब सुता हुआ है। इतना जिल्लत से सबको, बच्चों का सर्दी बुखार सबको लग रहा है, पूरा सगरे है। कोई भी कितना बार आया, कुछ भी हुआ, कोई भी समाधान नहीं हुआ है। क्यों नहीं बात का कोई एक्शन लेता है? आप ही लोग को बताते हैं, मंत्री को, कोई भी टिकेगा इसमें? अगर ऐसा कोई इमरजेंसी हो जाएगा, कोई डॉक्टर हकीम कन, तो हम लोग जा पाएंगे, जा सकते हैं पानी में? चलिए, भर कमर पानी है, इधर देखिए पानी, सगरे देखिए पानी है, तो हम लोग क्या करेंगे? चलिए, इन लोगों की समस्या जो है वो काफ़ी बड़ी हुई है, लेकिन प्रशासन को इस पर जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, जनप्रतिनिधियों को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इन समस्या का समाधान जो है हो सके। देखिए, कहीं ना कहीं ये समस्या जो है ये काफ़ी बड़ी समस्या है, इस इलाके के लिए काफ़ी बड़ी समस्या है, यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी बड़ी समस्या है। ऐसे में अगर प्रशासन, जनप्रतिनिधि कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को अब सड़कों पर भी उतरना पड़ेगा, और ये लोग सड़क पर भी उतरने की बात कह रहे हैं। देखिए, हम आपको एक बार फिर तस्वीर दिखा देते हैं, घर में लोग कैद है, बुज़ुर्ग लोग है, वहाँ पर भी तस्वीर दिखाते हैं, बुज़ुर्ग व्यक्ति है वो भी घर में कैद है, वो भी घर से बाहर जो है नहीं निकल पा रहे हैं। इधर भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, आप अगर दूर दूर तक तस्वीर देखेंगे तो आपको पानी ही पानी नज़र आएगी, गंदी पानी नज़र आएगी, जो इतनी गंद करती है कि इस गंद पानी से जो है कई तरह की बीमारी भी उत्पन्न हो सकती है, कई तरह की बीमारी भी उत्पन्न होगी, और कई लोगों को संक्रमित भी इस पानी से हो सकती है, बीमारियों की चपेट में यहाँ के लोग जो है हो सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की नींद कब खुलती है, और कब इस इलाके के समस्या का समाधान किया जाता है, और कब ये इलाके जो है इस समस्या से दूर होते हैं। यहाँ के जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, वो घर में ही कैद है, जिस कारण उन लोगों की भविष्य जो है वो ख़राब हो रही है। महिलाएं हैं, वो घर में है, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो इसे यहाँ से अस्पताल तक ले जाने का कोई साधन नहीं है, जिससे बीमार व्यक्ति को अस्पताल तक पहुँचाया जाए, जिसका अगर ये समस्या है, अगर इस समस्या से कोई व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाए तो हो सकता है कि रास्ते में कुछ अनहोनी भी
हो सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी आखिरकार प्रशासन कब कार्रवाई करती है, जनप्रतिनिधियों की आंख जो है अब कब खुलती है।